गर्मियों में अगर मुझे खीर में आम मिल जाए तो बस सोने पे सुहागा हो जाता है, मैं एक के जगह दो कटोरी खा लेती हूँ। तो इसलिए आज मैं आपके साथ आ रही हूँ मैंगो खीर की रेसिपी लेकर। हम आपके साथ आज रेसिपी शेयर कर रहे हैं मैंगो खीर, जो कि बड़े बच्चों बूढ़ों सबको बहुत पसंद होती है। कुछ ठंडा खाना का पसंद करते हैं, कुछ गर्म खाने, भाई मैं तो स्पेशली गर्म खाना पसंद करती हूँ, पर ठंडे खाने का भी इसका मजा अलग है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कप आम का पल्प लिया है, एक चौथाई कप मखाना, दो टेबलस्पून काजू लिया है, आधा कप चीनी, दो चम्मच पिस्ता बारीक कटा हुआ लिया है, दो चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम लिया है, तीन चम्मच मैंने नारियल को बारीक काट के और उसमें चिरौंजी मिला के रखा हुआ है, आधा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, एक कप चावल को अच्छे से धो के इसको दो घंटे के लिए भिगो दिया है, डेढ़ लीटर फुल फैट मैंने दूध लिया है। अब मैं एक पैन में दूध को डालूंगी और दूध को तीन चौथाई होने तक पकाऊंगी। बीच में चलाती रहूंगी जैसे दूध नीचे लगे नहीं। अगर मलाई आ रही हो दूध में तो बीच में चला चला के उसको तोड़ते रहेंगे। जितना ज़्यादा दूध गाढ़ा होता जाएगा उतनी ही खीर आपकी अच्छी और गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। अब हम इसमें एक चुटकी केसर डालेंगे, आप चाहें तो केसर को दूध में भिगो के तब इसमें डाल सकते हैं। मैं सीधे डाल रही हूँ और इसको तीन से चार मिनट तक पकाएंगे, जैसे बढ़िया सा कलर आ जाए केसर का और इसका फ्लेवर दूध में मिल जाए। ये जो आइकन दिख रहा है बेल वाला, इसको भी दबाना होता है, इसको दबा दीजिए तो कम से कम आगे तो बढ़े हम। अब मैं अपने चावल को डालूंगी जिसमें से मैं सारा पानी निकाल चुकी हूँ। देखिए केसर ने अपना कलर छोड़ दिया है। नीचे चलाते रहेंगे कहीं चावल कहीं लग ना जाए और चावल को हमें पूरा पका लेना है, तभी अब इसमें हम अपनी कोई भी चीज डालेंगे। बीच बीच में चलाते रहना है, चेक करते रहना है कि चावल कितना पका है। देखिए चावल 50% तक पक चुका है मेरा। अब हम इसमें अपने मेवे डालेंगे, थोड़ी देर तक इसको धीमी आंच पे ही पकाते रहेंगे। याद रखिएगा जब तक चावल पूरा पक ना जाए तब तक इसमें चीनी नहीं डालनी है। देखिए मलाई जमने लगी है। अब मैंने इसमें मखाना है, मखानों को मैंने बारीक काट लिया है, आप चाहें तो मखानों को हल्का सा देसी घी में भून के भी डाल सकते हैं, और इलायची का पाउडर डाला है। इसको भी दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस प्रक्रिया में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। आंच को धीमा ही रखेंगे तभी आपकी खीर सौंधी सौंधी सी बनेगी। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा चावल गल गया है कि नहीं। देखिए हमारा चावल अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी
चीनी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। नीचे मिक्सर को चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे कहीं मिक्सर नीचे लगने ना लगा हो। इसको धीमी आंच के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने आम की प्यूरी और मिक्स कर देंगे इसको खीर के साथ। खीर दूध चावल के साथ, देखिए कितना बढ़िया सा कलर आने लगा है आम का। प्यूरी डालने के बाद इसको धीमी आंच पे कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। कितनी अच्छी पीले कलर की मलाई जमने लगी है आम की और हमारी खीर भी गाढ़ी होने लग गई है। देखिए हमारी खीर अब तैयार हो गई है। देखिए खीर तैयार है। आप चाहें तो इसको ठंडा और चाहें तो गरम सर्व करके खा सकते हैं। मैं तो गरम खाती हूँ तो मैं तो तुरंत खा लूंगा। आप जो लोग ठंडा खाते हैं वो इसमें पिस्ता, बादाम, काजू की गार्निश कर लें। थोड़े से आम के टुकड़े रख लीजिएगा, फिर पता तो चलना चाहिए आम पड़ा है इसमें। और उसके बाद इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख लीजिए ठंडा होने के लिए। लीजिए अब ये ठंडी हो गई है और अब इसको आप आराम से खा के मजा लीजिए। अगर भाई ये रेसिपी पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।